हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्रेश एंड टेस्टी पर। आज हम आम पापड़ बनाने वाले हैं। आइए स्टार्ट करें बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के आम लिए हैं। इसकी छिलके और गुठली दोनों को मैंने अलग कर दिया है। अब इसका वेट 500 ग्राम है। इसको हमें मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। हम इसे मिक्सी में डालकर इसे अच्छे से पीस लेते हैं। इसका बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। आम का पल्प हमारा बनके तैयार है, इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब हम एक पैन में इसको डालकर अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं। फ्लेम हमारा यहाँ लो टू मीडियम ही रहेगा। इसे धीरे धीरे चलाते हुए हमें पका लेना है। इसे चलाते हुए करीब 15 से 20 मिनट तक इसे पकाना है, जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इसे इसमें अब मैं हाफ कप जितना पीसी हुई चीनी डाल दूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं, पर मैं इसमें कम ही डालूँगी। आप पहले अपने आम को टेस्ट करके देख लें कि ये कितना मीठा है। अगर ये ज़्यादा मीठा हो तो आप इसमें कम ही चीनी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं एक लेमन का जूस डाल दूँगी ताकि आम पापड़ खट्टा मीठा बने। अगर सिर्फ मीठा रहेगा तो वो आम पापड़ खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लेमन जूस ज़रूर डालें। देखिए अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया है। इसे मैं ढक देती हूँ क्योंकि इसके छींटे पड़ते हैं, तो इसलिए मैं इसे ढक ढक कर पकाऊँगी और इसे बीच बीच में चलाते रहूँगी। थोड़ी थोड़ी देर में इसे आप चलाते रहें ताकि ये नीचे पैन के तले में लग ना जाए। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून उससे भी कम काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। इसे थोड़ा चटपटा सा बनता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए लगभग बनके तैयार हो चुका है। अब एक प्लेट को मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ ताकि जब हम आम का मिक्सचर इसमें डालेंगे तो सूखने के बाद इजीली निकल सके। तो ये अच्छे से ग्रीस हो चुका है। मैं ये आम का जो बैटर है उसको अपने प्लेट में डाल देती हूँ और इसे सूखने के लिए हमें 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। चाहे तो आप इसे पंखा में सुखाएं, नहीं तो धूप में सुखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे 2 से 3 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं और हम बाद में मिलते हैं। अब ये आम पापड़ हमारा पूरी तरह से सूख चुका है। इसे मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसको निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि प्लेट में हमने पहले से ही ऑयल ग्रीस कर लिया था, इसलिए ये बहुत इजीली निकल जा रहा है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। आप इसे चाहे तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इसे रेक्टेंगल शेप में कट कर लूँगी। ये देखिए ये कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है और ये थोड़ा मोटा भी है। अगर ज़्यादा पतला हम बनाते हैं तो वो उतना खाने में टेस्टी भी नहीं लगता है। ये देखिए हमारा आम पापड़ बनकर पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं अपने घर पे और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।